वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो आज मैं घर पे हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ दीवा देवी के दर्शन करने। तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। आ जा। तो मेरा प्लान ऐसे है कि मैं यहाँ से सुबह सुबह 6:30 बजे निकल रहा हूँ और वहाँ कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ से जाने में दीवा। तो उसके बाद वहाँ से मैं जितना भी टाइम लगेगा ऊपर जाने में, नीचे आने में और माता के दर्शन करने में, तो उसके बाद हम जब भी मतलब नीचे आएंगे तो वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बढ़िया होने वाला है ब्लॉग। तो आपने कल रात को देख ही लिया होगा कि मैं जागरण में गया था, तो जागरण की वीडियो भी पहले आ चुकी होगी। जय हो। तो वो है छोटी दीवा। सात दिन से सप्ताह चल रहा है यहाँ पर ऊपर मल्ली दीवा में। ये जगह है, यहाँ से ऊपर को मल्ली दीवा की तरफ जाया जाता है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग, ये देखिए दीवा माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 7 बज रखे हैं और धीरे धीरे भक्तगण माँ दीवा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये हमारे भाई पहाड़ी जंक्शन या हमारे सुनील भाई। सो गाइस, यहाँ से मल्ली दीवा जा रहे हैं हम, मैं और सुनील भाई है। वो भी अपना यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। सो गाइस, यहाँ से फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन माँ दीवा के मंदिर मल्ली दीवा में। तो यहाँ से अब देखिए ज़रूर कैसे कैसे सफ़र रहता है सुनील भाई के साथ। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं तो उनके साथ भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो एरिया की दिल्ली से बैजरो की तरफ जो रोडवे जाती है हमारी, तो वो यहाँ पर आ चुकी है। दगे ड्रे अरे बल।
अलग अलग नहीं होया वरना बिछड़ जा। जय हो, बोल भगवती मैया की, बोल भगवती मैया की जय हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये देखो अब तक का सबसे अच्छा काम। मैं हर बार ही कहता हूँ कि जब भी दीवा मंदिर में ऐसा कुछ होता है पानी की व्यवस्था वहाँ पे जरूर होनी चाहिए और लोग इसको मतलब रोजगार के तौर पे भी कर सकते हैं। ये एक दो दिन ही होते हैं जब इसको अर्निंग हो सकती है और बेस्ट ऑप्शन है जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए भी और जो ला रहे हैं उनके लिए भी। हाँ सही बात है। तो ये देखिए पानी की बोतल यहाँ पर कर रखी है इन्होंने, तो थैंक यू सो मच भाई। तो यहाँ से मलिदीवा का सफर शुरू करते हैं हम। जय हो मलिदीवा, जय हो। तो ये रहा फर्स्ट गेट, यहाँ से शुरुआत होती है मलिदीवा की और यहाँ पर जलेबी बन रही है। तो पहाड़ी जंक्शन भाई निकल चुके हैं अपने ब्लॉग को बनाने के लिए। ये देखिए आए हाय क्या बात है। तो ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है इनका, आराम से आराम से। तो यहीं से आ गए हो तो यार क्या करे, बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ से शुरू हो चुका है कच्चा रास्ता और धीरे धीरे कदमों से भक्तगण अपनी माँ दीवा के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं और कोई कोई लोग यहाँ पर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि 7 दिन का सस्ता होने के बाद भाई तो तुम कुछ छुपा के आ रहे थे बैंस की पता नहीं चल लो। अरे ना ना भाई। और रे बस बढ़िया। अरे हाँ। ठीक है हाँ। भाई मुँह कुछ छुपा के लानी चाहिए। अच्छा बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी, धन्यवाद धन्यवाद। ओ पेपर गुणाल द बेस्ट मी तो बाद बोलूं। जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, सारे बोलो, जय माता की, जय माता की, जय माता की। लोगों में उत्साह भरने के लिए जय माता के जयकारे लगाएं और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल हो रखा है, सब माँ की कृपा है। तो और पहाड़ी जंक्शन भाई जल्दी जल्दी आओ यार, देर हो रही है। अब तो मिल बना है, जोर से बोल लो, जय माता दी, जोर से बोल लो, जय माता दी। ओके क्या बात पहुंचा तुम, राजी जान माँ बड़े अभी ओहो बढ़िया। हाँ पूछेंगे जरूर पूछेंगे। हो
शुरुआत हमसे से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता दी। आ गया क्या बताए यक मत। हाँ ब्याली ओहो मतलब जाकर फूल सुनी थी यार। क्या बात जाकर फूल सुनी बल। और यहाँ पर ये देखिए जो कूड़ा होता है वो रखने के लिए बनाया गया है। ये मंदिर बेशक थोड़ा छोटा है लेकिन इसके रहस्य और इसका इतिहास उतना ही बड़ा है। तो थोड़ा सेम भी बता दे दी। नहीं ये बंदा कह रहा थोड़ा मेरे कहने में बता दो। रहस्य इतना खतरनाक है बताने में डर लगता है। तो चलो पहाड़ी राव चैनल पे बता ही देते हैं। हिम्मत जुटा के माँ दीपा का नाम लेके जय हो है ना। हाँ तो भैया अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी बड़े काम करना चो। ओ तो जो आपने पहले मंदिर देखी है तो पहाड़ी जंक्शन भाई बताना चाहेंगे उसके बारे में कुछ। हमने भी सुना है बहुत पहले की बात है। यहाँ से बारह जा रही थी खाटली के लिए तो इस मंदिर में सब लोग रुकते थे। तो उसमें थोड़ा कुछ अड़ियल लोग थे उन्होंने कहा रात हो रही है क्या रुकना है इस मंदिर में। तो भाई साहब वो यहाँ पे बिना रुके माता का आशीर्वाद लिए हुए चले गए आगे। और फिर कहते हैं कि वो जो बराती वो आज तक यहाँ से गायब है पता नहीं चला कहाँ गई किधर गई। घर पे पूछा वहाँ भी नहीं गए जहाँ बारात ने जाना था वहाँ भी नहीं गए। तो ऐसा कहा जाता है ये जो बांध के पेड़ है आसपास इन पे अगर किसी धारदार हथियार से अगर हम लोग वार करेंगे तो किसी से पानी निकलता है और किसी से खून निकलता है ऐसा मैंने सुना है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है जो लोग देख रहे हो अगर इससे कुछ अलग रहस्य हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल थोड़ा हमें भी जानकारी हो जाएगी और हमने जो सुना है हम वही बता रहे हैं आपको। हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत ज्यादा ठंड लगा। हवा चल रही थी बहुत ठंड लगी। सोने की जगह नहीं थी बड़ी उसके नीचे ऐसी कंकड़ पत्थर से। अच्छा भीड़ बहुत ज्यादा थी कल रात को। अच्छा और कल तो बहुत तेज हवा भी थी। अच्छा जागरण बढ़िया रहा। हाँ बढ़िया था। हाँ खैर देखने के लिए नहीं मिला मगर देखा। अच्छा ठीक ठीक बढ़िया था। ठीक चलो बढ़िया पर मेन जैसे कलाकार जनार्दन नौटियाल जी नहीं आए। हाँ। उनकी तबीयत खराब थी। हाँ बताया और वो भी नहीं आई थी कुछ कौन से नहीं गए सुषमा नहीं गई। हाँ सौरभ मैथानी जी। हाँ मैं बोला था। हाँ गाने तो गाए थे। कोई नहीं मिलेंगे मिलेंगे अभी सौरभ मैथानी जी से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर व्यू बहुत मस्त लग रहा है पहाड़ों का। हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में व्यू हाय हाय। और ये लंबी चढ़ाई क्या बात है। तो माँ के दर्शन करने के लिए ये लंबी चढ़ाई दूर दूर से लोग आते हैं। जो गुफा के वो बनाई थी आपने। हाँ भंडारा शहर। हाँ भंडारा शहर। हाँ है ना ठीक। कैसे लगी वीडियो। अरे बहुत बढ़िया था यार। सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं। देखते सब्सक्राइब हो जाता है। और बोला यार मैंने सोचा कि आज आ जाइए जाता है। हाँ यार आ रखे हैं। हाँ यार मैंने समझा कि तुम नहीं आए हो। जरूर आया था मैं कल तो रात रुके तो ऐसा हाल हो गया है बिल्कुल सर दर्द हो रहा है। सच में कल क्यों नहीं आए। कल रात में आते हैं। रात में आए थे तो राइट हमने स्टे किया वहाँ पे अच्छे से। हाँ हाँ रात्रि जागरण का आनंद लिया पूरा। कॉपीराइट लेके रहने यार। हाँ यार कोई बात नहीं कॉपीराइट सॉल्व। कॉपीराइट
गाना बजाना कॉपीराइट वही तो नमस्ते तुम्हारे भी फॉलोवर बढ़ जाला नमस्ते मेरी वीडियो भी कह दिया पहाड़ी रहा ठीक है जोर से बोलो सारे बोलो दीवा माता की जय जय। तो दादी जी सुखाई की है तो माता के दर्शन करने के लिए इतने ऊपर चढ़ के गई है। तो इनकी उम्र होगी मतलब कम से कम 65, 67, 68 ये होगी। तो इतनी आस्था देवी माँ के प्रति। रिंगोल क्यों होंगे हाँ ना छठ पर्दा बांस की रिंगोल तो देखिए हल्का सा पसीना आ चुका है हमें और अरे क्या हाल रे अरे गुड यार ख्याल खाना प्रसाद चलो दर्शन बढ़िया माने तुम बैलो नहीं सोए रहो पर तुम सच में काम भी हुई करना चाहो मैंने उस अरे वाह क्या बात है ठीक हो मिलके अच्छा लगा ओके हेलो ओके थैंक यू ओके सौरभ मेहता जी तो यहाँ से शुरू होता है माता का मंदिर का द्वार भाई बस पहुंच गया यार पहुंचा आप हमारे लिए तो रुके नहीं तो माता के दर्शन करने के लिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम भी करेंगे अभी। तो माता के मंदिर में आने के लिए हमें लगा 1 घंटा 15-20 मिनट तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम माता के मंदिर। आपने व्यू देख लिया होगा
करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर टेंट लगाया गया है और ये है हमारी नई दीवा की मंदिर, और यहाँ पर न्यू मंदिर बनी है हमारे दीवा में, तो जय हो। और यहाँ का व्यू आपको बहुत पसंद आएगा, देखिए यहाँ पर पीछे का व्यू, वाओ ऑसम। कक बया छा तुम? हम रोनी तल्ली के हैं। अच्छा, मेरा गांव कोलरी है, ससुराल आए करो कोलरी। अच्छा, कोलरी से आया हो। अच्छा, तो दर्शन कर लिया आपने? देवी माता के दर्शन कर लिए। अच्छा, चलो हम टीवी माजुला ये क्या आज भी तो लोग YouTube पे आने के लिए बहुत ज्यादा ही उत्साहित हो रखे हैं। जल्दी ब्लॉग मिल जाएगा आपको, पहाड़ी जंक्शन जी का भी और मेरा भी। तो माँ दीवा इस जगह से आगे जो है सब लोग को आवाज़ लगा दी क्योंकि छुप जाओ गोरखा आ गए हैं। और यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, बोला जाता है उसको, वहाँ पे एक पत्थर ऐसा था कि उस पत्थर मतलब वो पत्थर जिस दिशा में घूमता था उधर बारिश हो जाती थी, तो जिधर से गोरखा और कंचूरे आते थे तो माँ दीवा उधर बारिश कर देती थी, और लोगों को आइडिया लग जाता था कि कंचूरी उस साइड से आ रहे हैं और वहाँ से आ रहे हैं। कई रहस्य हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं कि जिनके आगे विज्ञान उन्हें देखता है। ऐसी महिमा है माँ दीवा की, और हम शुक्रगुजार हैं, बहुत लकी हैं कि हमने ऐसी धरती पे जन्म लिया है जहाँ पे ऐसे ऐसे देवी देवता हुए हैं, और तीनों रतली जैसी पीर वाला हुई है, तो ये हमारा सौभाग्य है। हेलो सर जी, क्या हाल चाल? पसीना? अरे हाथ धोना भी। अच्छा, हाथ पसीना।
तो जहाँ पर खाना बन रहा था कल, तो यहाँ पर ये देखिए, तो कल रात को यहीं पर खाना बना होगा, तो इसलिए माला खुद ही खुद आ गया, हम तो बता भी नहीं। म्यार पूछ गई दीदी, पहुंच गई यार दीदी, पहुंच गई ताई है। ओ और दर्शन कह रहा तुम, दर्शन कह रहा तुम, ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब पहाड़ी जंक्शन को नचाएंगे हम। चंदन जी चलिए नाचिए, अब तुम्हारी बारी है। गाइस हमने तो कर लिए है दर्शन दीवा माता के, तो आपने भी कर लिए होंगे। तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, भंडारे की तरफ, है ना? अब आना सुनना यार, अब भी आना छाप भी। स्वादिष्ट है एकदम, बिल्कुल स्वाद आ जान, मुकम पैन आ जान। तो फायदा क्या है फिर सामान लेकर ही आते हैं? तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। चलो आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। हाँ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हेलो हाय, देखिए छूट क्यूट सी, अब हम लेते हैं भंडारे का आनंद और देखते हैं। पेट में गुड़गुड़ तो हो रही है यार बहुत ज़्यादा। जय हो, जय माता की, जय हो, जय माता की।